कुछ जरूरी काम जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा, अब अपने पति परमेश्वर से तुम बातें छुपाने लगी हो? मयंक, तुम इस काम में इन्वॉल्व नहीं हो ना, इसलिए नहीं बता रही हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस, कोई भी इम्पोर्टेंट बात होगी ना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ओके? मतलब ये कैसा काम के पति से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? कुंचन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेदिल होगी, अपने पति को डिच करोगी। गुड नाइट मेरे दिल और दर्द वाले, तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है, चलो जाओ सो जाओ। एंड हाँ, मैं तुम्हारे सपनों में जरूर आऊंगी, सो गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। जी शराब गुंजन, अब तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं देख लूंगा तुम। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। माया, माय स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मेरी तरफ तो देखो, बस आज रात के लिए इतना ही। मुझे तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। नॉट देखो, ये बहुत गलत बात है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार, तुम मुझे इतना भी याद मत करो कि मुझे हिचकियां शुरू हो जाए। देखा, पकड़ी गई ना? कुछ भी यहाँ लगता तुमने रॉन्ग नंबर डायल किया है, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी मिस नहीं कर रहा है। देखो, झूठ बोलना पाप है। अरे अरे, अब वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इतनी रात को तुमने कॉल क्यों किया है? वो क्या है ना, मैंने सोचा कि आज पूरी रात तुम्हें कंपनी दो, क्योंकि तुम्हारी रूम पार्टनर गुंजन तो तुम्हारे साथ होगी नहीं और तुम उसे मिस कर रही होगी, तो मैंने सोचा कि आज पूरी रात तुम्हारे साथ बैठ के बातें करूंगा। अच्छा एक मिनट, हम दरवाजा बंद कर लेते, नहीं तो कोई आ जाएगा। रचना, वो नेटवर्क चेक कर रहे थे, वो बारिश की वजह से रेंज चला जाता है ना, इसलिए। बताएं, बहुत दिनों से शादी के इतने भागम दौड़ में हम तुम्हारा हालचाल पूछना ही भूल गए, इसलिए आज सोचा हमारी बिटिया अकेली होगी, चलकर देखते हैं, थोड़ी बातें करते उससे। बैठ। कितनी खुशी की बात है ना, गुंजन हमेशा के लिए इस घर में हमारे साथ रहेगी। भगवान ने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली। हम सोच रहे थे कि गुंजन अभी इस कमरे में नहीं है, तुम बहुत अकेला महसूस कर रही होगी ना, इसलिए हमने सोचा कि कुछ समय के लिए रात को हम तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोएंगे। मतलब हमारा मतलब है कि आप हमारे साथ सोएंगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत खुश हैं, बहुत मजा आएगा मम्मी, बहुत मजा आएगा। हमें भी। अब बस बस जल्दी से सो जाओ। जी दीदी, ये क्या, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, सोचा कि गुंजन के लिए सब कुछ तैयार कर देते हैं। पहली रसोई है, उसे क्या पता कौन सी चीज कहाँ रखी होगी। दीदी, गुंजन अब इस घर की बहू है, बेटी नहीं है। क्या मतलब? अब हमारा मतलब है कि आप और हम जब इस घर में शादी करके आए थे, तब हमारी मदद किसने की थी? किसी ने भी नहीं, बल्कि अम्मा जी ने हुक्म दिया और हमने चूल्हा चौका संभाल लिया। क्या है ना दीदी, की गुंजन के लिए हम और आप तो हमेशा है, लेकिन गुंजन को अब जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी।
और ये हम सब के लिए, क्योंकि खास तौर पे गुंजन के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी हम चाहते हैं कि हमारी बहू रानी एकदम सुशील और सुबह ग्रहणी बने, जिससे कि सब हमें शान से कहें कि गुंजन हमारी बहू है। वो तो सही है, लेकिन फिर भी पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा सा। अरे जी, हमारी बहू बहुत होशियार है, सब संभाल लेगी वो। मौसी जी, आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं संभाल लूंगी। अगर आप ऐसे हेल्प करती रहेंगी तो फिर मैं सीखूंगी कैसे। लेकिन बेटा तुम। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप देखना मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगी। अरे वो सही तो कह रही है, सब संभाल लेगी वो, विश्वास कीजिए उस पर। और वैसे भी सब्जी रोटी तो बनानी है उसे। अब चलिए चलिए ना, आप संभालना। हाँ हाँ मौसी जी। दाल, बेसन, चाय पत्ती। बोलने बोलने चाहिए हम, पर इसकी वजह से हमने बहुत सुना है। आज हमारी बारी है देवी जी को सुनाने की। सॉरी मैडम कुक, इस घर में लड़कों को किचन में अलाउड नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हवा तो दे सकता हूँ। थैंक यू मैम। यू वेलकम। आप कोल्ड ड्रिंक? सच्चे डार्लिंग। थैंक यू। गुंजन, कि तुमने क्या हाल बना दिया, इधर आओ। क्या किया ये? सारा आटा देखो पूरे बालों में लगाया हो और ये पूरा खराब कर दिया। मिस्टर, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है, ओके? मुझे बहुत काम पड़ा है, रोमांस पार्टी। गुंजन, तुम ना शादी के बाद बदल गई। ये तो शादी से पहले पूरी दुनिया ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, और शादी के बाद तुम कितनी बिजी होगी, जैसे कि। जैसे क्या? जैसे कि कोई बहुत बड़ी हीरोइन, टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो टाइम कैसे होगा, कभी मेरी मुंह दिखाई कभी पहली रसोई। मेरी समझ में नहीं आता ये सब कुछ लड़कियों के साथ ही क्यों होता है, तुम्हारी मुंह दिखाई क्यों नहीं हुई? इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आया था। मयंक, कुछ चल रहा है? हाँ, मेरा दिल बहुत बुरी तरह से चल रहा है। दिल नहीं, मेरी खीर जल गई। ओह गॉड, खीर जल गई। लगता है खीर जल गई है। कोई बात नहीं, अब गुंजन। अरे पापा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखो, पहले खीर को इस बर्तन से निकालो ताकि और ना लग जाए। और हाँ, हमारे पास में एक आइडिया है, इसमें ढेर सारी इलायची और केसर डालो ताकि जलने की स्मेल ना आए और वो पता ना चले। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही आकर मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तुम जाओ अभी यहां से, भाग जाओ, भाग बाहर जाओ। मैं अच्छा ये पी लेना। हाँ जाओ।
जरूरी बात नहीं, कोई बात नहीं। सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जा, पता नहीं कौन सी और कैसी सब्जी बनी होगी। हाँ। चल। कुंजन, ये सब बाप रे बाप, इतना सारा खाना कैसे नहीं बनाती? आपने जो कहा था, पता है कल रात भर इंटरनेट पर बैठकर मैंने रेसिपीज ढूंढी है। वाह, इसे कहते हैं मॉडर्न बहू। अरे गोपाल, हमने तो सिर्फ रोटी और सब्जी मांगी थी और गुंजन ने तो पूरी टेबल पकवानों से भर दी। अरे सीमा, बैठकर खाना खाओ भाई, किसी नैनों से ही भोजन करोगी। गुंजन, और तुम भी बैठकर खा लो, कितनी गर्मी में और कितनी मेहनत के साथ तुमने इतना सब कुछ बनाया है। तुम बैठो, हम तुम्हें परोसते हैं। नहीं नहीं मौसी जी, आज तो आप बैठेंगी और खाएंगी, मैं आपको परोसूंगी। अरे और मैं अकेली थोड़ी ना, मेरे असिस्टेंट असिस्टेंट्स है ना मेरे साथ, मिस रचना एंड मास्टर डोलू। आप बैठिए बैठिए। गुंजन, अरे इतनी अच्छी भरवा भिंडी तो ये तीन बहुरानियां भी नहीं खिला पाई हमें, बहुत अच्छी बनी है। भाई वाह, क्या बात है गुंजन, खाना बहुत ही अच्छा बना है। बेटा आज तो तुमने स्नेहा की याद दिला दी और स्नेहा से भी बढ़कर खाना बना। आई एम प्राउड ऑफ यू गुंजन। गुंजन शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया है। तो सासू माँ, खाने पे कुछ विशेष टिप्पणी कीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुंजन ये लो खीर, आंटी जी ये खीर लीजिए ना। क्या गुंजन बेटा, ये तो जली हुई है। सच में दीदी, जरा देखिए तो। ये तो बहुत बुरी तरह जली है। हाँ इतनी कि इलायची भी इसका स्वाद ठीक नहीं कर पाई। हाय हाय हाय, क्या गुंजन, तू जल गया था क्या? बहुत बुरी तरह जला है ये तो, खाने का पूरा स्वाद खराब कर दिया इस खीर ने तो। ओहो, तुम दोनों ना बिल्कुल अजीब हो। टेबल पर इतनी सारी अच्छी अच्छी डिशेज है, उन्हें तो देख भी नहीं रही हो, और ये खीर जरा सी क्या जल गई।
तो बस इसे बोल रही हो तुम? सीमा, तुम्हें तो बोलने का कोई हक नहीं है, तुमसे एक प्याली अच्छी चाय नहीं बन पाती। क्यों बोल रही हो तुम? गुंजन बेटा, हमारी तरफ से हम तुम्हें 15 out of 10 देते हैं। बाकी जितने जो कहना है कहने दो। हाँ तो हम कौन सा किसी को कुछ कह रहे हैं। गुंजन बेटा, बस इतना सा कह रहे थे कि खीर जरा सी जल गई है। अब वो क्या है ना कि मयंक को खीर बहुत पसंद है। तुम्हारी पहली रसोई है तो वो खाएगा क्या बेचारा, बस इतनी सी बात। आंटी जी, आई प्रॉमिस मैं आपसे ना अच्छी खीर बनाना भी सीख जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो भाई हमारी तरफ से भी 10 में से 10। हाँ ये लो तुम्हारा शकुन। हमेशा खुश रहो और सबको खुश रखो। थैंक यू पापा। सीमा, तुम शगुन नहीं दोगी बहू को? अरे क्यों नहीं देगी, क्या बात कर रही हो जीजी। ये लो सीमा। गुंजन बेटा बैठ जाओ। जी हमारा बस चलता तो 1 रुपया भी नहीं देते, सबको चली हुई खीर खिलाई, ये कोई बात हुई भला? थैंक यू आंटी जी। आंटी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ हाँ कहो। सबसे पहले तो मैं कल के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। नहीं नहीं प्लीज, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। मेरा मकसद कल आपको हर्ट करने का या दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। एक्चुअली बचपन से मैंने किसी को सिंदूर लगाते हुए नहीं देखा है। और मेरी रोल मॉडल तो मेरी मम्मा है, उन्होंने भी कभी सिंदूर नहीं लगाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापा से प्यार नहीं करती। It's just that उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है और मैं भी अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ। पर बेटा। हाँ माँ, मैं भी नहीं चाहता कि गुंजन को सिंदूर लगाने के लिए फोर्स करना चाहिए। ये उसका खुद का डिसीजन है और मैं उसे सपोर्ट करता हूं।